रोजगार को लेकर दावा किया कि 10 लाख नौकरियां थी, हकीकत सिर्फ 3,246 लोगों को 7 साल में मिला रोजगार। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे, 2 करोड़ पेशेंट्स। दवाई यहाँ पे ज्यादातर आए दिन ये डिस्पेंसरी बंद ही रहती है, और अगर खुलती भी है तो यहाँ मतलब कुछ दवाई की शॉर्ट रहती है। 500 स्कूल खोलने का दावा भी खोखला निकला। पेंशन नहीं मिलती, मिलती है पर कभी केजरीवाल के सत्ता संभालने के बाद पानी की किल्लत जस की तस बनी हुई है। आज भी दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कहने को दिलदार है दिल्ली आज बड़ी खूंखार, महंगी रोटी सस्ती जाने औरत है लाचार, ना बिजली ना पानी घर में मचा है हाहाकार, भ्रष्टाचार की मार से देखो दिल्ली है बदहाल। इस शर्मसार दिल्ली का जिम्मेदार कौन है?